शर्मा जी, यदि आप हमें आदेश दें तो आज हम आगे बढ़कर हमारा सारा भूभाग जो मुगलों ने हमसे छीन लिया था, हम उन्हें पीछे धकेल कर वापस ले लेंगे। उत्साह अच्छी बात है झाला जी, किंतु अधिक उत्साह ठीक नहीं, क्योंकि अधिक उत्साह में व्यक्ति कभी ठोस सत्य को कभी देख नहीं पाता। और सत्य केवल यह है कि हम संख्या में मुट्ठी भर है, और वहां मुगलों का जमावड़ा शस्त्रों की संख्या में हमारे सामने खड़ा हो सकता है। और ऐसी स्थिति में हमें ठोस सत्य कभी भूलना नहीं चाहिए। हम आपसे नहीं, राजी से बात कर रहे हैं। राजी, टूटा जी जो कह रहे हैं उसमें ठोस सत्य है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि युद्ध के तात्कालिक परिणाम के बाद वो मुगल बौखला गया होगा, और पूरी संभावना है ये मुगल सैनिकों की एक भारी संख्या हमारी ओर भेजेगा। उसे जो करना है वो कर ले, तो हमें इन जंगलों का सदुपयोग करना है, जिससे कि हम इस भारी संख्या को मुंह तोड़ उत्तर दे सके। आशा है झाला जी आपने राणा जी की बात अच्छे से सुन ली होगी। यदि आप पहले ही हमारी बात सुन लेते तो राणा जी का समय यूं व्यर्थ न करते। धन्यवाद भीम सिंह जी। जोश बहुत है हमारे साथियों में राणा जी, जब देखे युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो अच्छी बात है भीम सिंह जी, इनके उत्साह और इनके जोश को आप संभालते रहिएगा बीच बीच में। बहलोल खान, क्या है, हम कब तक यूं इन चट्टानों के पीछे छिप के बैठे रहेंगे? कब आएगी हमारी मदद के लिए फौजी घुमुख? आएगी मुल्तान खान, आएगी। उसके दरबार में देर है, अंधेर नहीं। आ गई मदद काजी खान के साथ। ऊपर खींचे, यार रस्सी बांधो। मुगलों की बहुत बड़ी सेना आ रही है, मुल्तान और बहलोल की सहायता में। तो इसमें आश्चर्य क्या बात है? ऐसा होना निश्चित ही था। अब हमें अपना सारा ध्यान अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में केंद्रित करना होगा। मुगलों पर आक्रमण हम दो छोर से करेंगे, वृक्षों के ऊपर से और नीचे से भी। समझ गए? जी राणा जी, राणा जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम काजी खान। अस्सलामुअलैकुम। क्या बताएं काजी खान आपको, हमने सोचा भी नहीं था कि ये लोग पेड़ों की ऊंचाई से हमला करेंगे हमारे ऊपर, और यही किया इन्होंने, हमारी पूरी फौज को जलाकर खाक कर डाला। वे लोग तीरों पर ना जाने कौन सी जलाने वाली चीज बांध बांध के फेंक रहे थे हमारे ऊपर। जैसे वो तीर हमारे ऊपर गिरते हैं, हमारे चारों तरफ आग आग लग जाती। बड़ा ही खौफनाक मंजर दरपेश किया हम लगता ने। बहलोल खान, हमें लगता है कि वो जो जलाने वाली चीज थी उनके पास यकीनन खत्म हो गई होगी, वरना वो हमें क्यों जिंदा छोड़ दे? बोल चुके, हम लोग उनके दो तरीकों से हमला करेंगे। हमारी फौज का पहला दस्ता उनके पेड़ों के उन शाखों पे हमला बोलेगा जहां पे छुपकर उन्होंने आप पर आतिशी कहर बसाया था, ताकि वो जहां कहीं भी छुपे हों वहीं पे हलाक हो जाएं। और हमारी फौज की दूसरी टुकड़ी जमीनी रास्ता साफ करते हुए जंगल में जाएगी, गहरे तक उन मेवाड़ी चूहों
और भीलों को सफाया करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस बार प्रताप ने कुछ ना कुछ नया जरूर सोचा होगा हमारे लिए, क्योंकि अगर इस बार उसने हमें ये इज्जत ना बख्शी, खुदा कसम खफा हो जाएंगे हम उस पे। राणा जी, सामने वाले पेड़ों पे हमें तीर सैनिकों की तैनाती कर देनी चाहिए, ताकि हमारे सैनिक मुगल सैनिकों को अधिक से अधिक संख्या में मार सके। यदि हमने उन्हें जंगल में घुसने से पहले ही नहीं रोका, तो वे जंगल के भीतर तो घुसाएंगे, जो हम नहीं चाहते। जब ये बात मुस्तक के दिमाग में आ गई कि सबसे पहले हमने पेड़ों के ऊपर से उनके ऊपर आक्रमण किया था तीरों से, तो इस बार वो जंगल में प्रवेश करते ही सबसे पहले सामने पड़ने वाले पेड़ों पर आक्रमण करेंगे तीरों से। क्या उन लोगों ने ये बात नहीं सोची होगी? अवश्य सोची होगी, इसलिए राणा जी इस बार कुछ अलग व्यू रचना सोच रहे हैं। वैसे झाला जी, बात तो आप ठीक कह रहे हैं। कालीवान जी, और कसकर कसकर खींचे। झाला जी, थोड़ा यहां आकर जाल बांधने में सहायता कीजिए हमारी। राणा जी, मुगलों की सेना हमारी ओर बढ़ रही है। ऐसा तो होना ही था। सभी शीघ्र अतिशीघ्र अपने अपने निर्धारित स्थानों पर चले जाएं। कैसा मजाक हुआ? ये क्या चिपचिपा सा गिरा दिया है हम पर? अरे मियां, ये तो जंगली शहद है। ये ध्यान नहीं देगा कोई सिपाही। आगे बढ़ते चलो। जी हुजूर। प्रताप, शहद बरसा रहे हो हमारे सिपाहियों पे। कोई बात नहीं, हम भी मीठे के शौकीन, तुम भी मीठे के शौकीन, मजा आएगा। लगता है आखिरकार हौसला टूट चुका है इनका। इतनी आसानी से इतना सारा जंगल पार कर लिया हमने। इतनी तेज बढ़त तो जंग शुरू होने के बाद से अब तक हासिल नहीं की थी हमने। इतना खुश होने की जरूरत है बहलोल खान? पता नहीं क्यों दिल में दुख 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 सी हो रही है। हमने अपनी आंखों से देखी इनकी बहादुरी। यूं ही मैदान छोड़ने वाली चीज नहीं है बिरादर। अल्लाह का नाम ले ले लेकर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह कसम, नहायत बुजुर्ग सच्चे आदमी।
लो जी, उतार दिया तुम्हारा एहसान। ठीक है, युद्ध पे ध्यान दीजिए। कौन हो तुम? और महारानी अजब देख शोक का काला वस्त्र कहाँ है? क्या हुकुम? पूरे विश्वास से तो नहीं कहा जा सकता कि मुगल गुप्तचर ही थे, किंतु जिस प्रकार पूछताछ आरंभ करते ही वे भागे, उससे तो यही संदेह हुआ कि हो सकता है मुगल गुप्तचर ही हैं वे जो नगर में घुस आए। इसलिए हमने सोचा कि सर्वप्रथम इसकी सूचना आपको दी जाए। आपकी सजगता सराहनीय है, इसी क्षण उस गुप्तचर को पकड़ के लाइए। हुकुम। चुंडावत जी, मुगलों ने उदयपुर में अपना गुप्तचर भेजा ये जानने के पश्चात भी कि हमारी समस्त सेना राणा जी के नेतृत्व में मुगलों के साथ ही युद्ध कर रही है, तो फिर यहां उनका गुप्तचर भेजने का उद्देश्य क्या होगा? आचार्य जी, अभी हाल ही में उनके भेजे गए हुए हथियारों के कारण हम अपनी महारानी सा को खो चुके हैं। वो मुगल किसी भी मानवीय और सामाजिक आदर्शों को नहीं मानते। आप हमें तुरंत आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने दें आचार्य जी। उचित है चुंडावत जी, ये तो आप करवा ही दीजिए, और हम रानी सा और समस्त राज परिवार की सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखते हैं। प्रताप की असली ताकत है वीर सरदार राणा पंजा, हमें इसे बाहर निकालना ही पड़ेगा, और उसके लिए मुल्तान खान तुम्हें आना पड़ेगा। गुलाम तुम्हारे सामने आते ही पंजा जहां कहीं भी होगा आ जाएगा सामने। मुल्तान खान जैसे एक वरिष्ठ सेनापति जो इस प्रकार हमारे सामने कैसे आ गया? तुम्हें मारने में भी उतना ही मजा आएगा जितना कि तुम्हारे बेटे को मारने में। नहीं राणा जी, बाहर आकर आप युद्ध को संकट में मत डालिए। मेरे बेटे के हथियारे इन मुगलों के लिए मैं अकेला ही बहुत हूं। हे एकलिंग जी, मुगल गुप्तचर घुसा है हमारे नगर में। शांत, अभी कुछ सिद्ध नहीं हुआ, ये केवल हमारा संदेह। फिर भी हम चाहते हैं कि आप सब सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। जब नगर में ही मुगल सैनिक आ गए हैं तो सुरक्षा कैसी आचार्य जी? अब कुछ नहीं हो सकता, हम सबको मरना ही पड़ेगा। नहीं, क्षमा चाहते हैं आचार्य जी, पर कोई इस महल को छोड़कर भी नहीं जाएगा। निशा, आपकी और समस्त राज परिवार की सुरक्षा के लिए उचित कार्यवाही करना हमारा कर्तव्य है। आचार्य जी, आपका पहला कर्तव्य जन सामान्य को सुरक्षा प्रदान कर, अपना बहुमूल्य समय हमें बचाने में नष्ट करने की वजह उसे मेवाड़ की प्रजा को बचाने में लगाई। राज परिवार के सदस्य होने के नाते जिस उद्देश्य के लिए
राणा जी और हमारे वीर सैनिक वीरता से मुगलों के सामने लड़ रहे, उसी उद्देश्य के लिए हम भी अपनी क्षमता के अनुसार अपना हाथ बटाएंगे। राणा जी और हमारे वीर सैनिक युद्ध भूमि में इसीलिए लड़ रहे हैं ना, ताकि उदयपुर मुगलों के हाथ ना लगे। तो उसी उद्देश्य के लिए हम भी अपनी प्रजा को बचाने का प्रयास कर अपना कर्तव्य निभाएंगे। जान मार, क्या आप हमारा साथ देंगे? इस समाज में नारी अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए शक्ति का रूप ले लेती है। उस समाज पे कोई भी अड़चन, कोई भी समस्या आशा की किरण के साथ ही लुप्त हो जाती है। खंबागढ़ी हुकुम, कुंवर सा अमर सिंह जी पधार चुके हैं। ये तो इंतहा हो गई मेरी खुशियों की कि सामने खुद ब खुद मेरा दुश्मन चला आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना नाम सुना, कितनी तारीफें सुनी। प्रताप ये है, प्रताप वो है कि कितनी हसरत थी तेरे दीद की जालिम कि अब तू सामने है, फिर भी यकीन नहीं होता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.